शहर के जालिया लिंक रोड पर नर्म निर्माणाधीन राजकीय कन्या महाविद्यालय की चार दीवारी निर्माण में रोड़े अतिक्रमण कर शनिवार को नगर परिषद का पीला पंजा गरजा। नगर परिषद तहसील तथा पुलिस प्रशासन की टीम ने कन्या महाविद्यालय की भूमि पर आसपास के लोगों द्वारा किए गए स्थायी तथा अस्थायी अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ढहाते हुए चार दीवारी निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर किया। कन्या महाविद्यालय की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिए जाने के बाद अब नोडल एजेंसी एसडी कॉलेज प्रशासन की ओर से चार दीवारी निर्माण कार्य को गति दी जा रही है। मालूम हो कि शहर के जालिया लिंक रोड पर निर्माणाधीन राजकीय कन्या कॉलेज की भूमि पर आसपास के निवासियों की ओर से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण कर लिया, जिसके कारण महाविद्यालय की भूमि पर चार दीवारी निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही थी। नोडल एजेंसी एसडी कॉलेज प्रशासन की ओर से विगत लंबे समय से इस बाबत शासन तथा प्रशासन को अवगत करवाया गया, जिस पर नगर परिषद उपखंड तहसील तथा पुलिस प्रशासन ने विगत भूमि का निरीक्षण कर अतिक्रमणों को चिन्हित किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक लेकर उक्त अतिक्रमण को हटाने की प्लानिंग तैयार की, जिसके तहत शनिवार को मौके पर पहुंची नगर परिषद की टीम ने चिन्हित अतिक्रमणों को ध्वस्त कर चार दीवारी निर्माण की बाधा को दूर किया। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार मोहनलाल राजावत, नगर परिषद के जयन अंजुमन अली अंसारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोहिंद्राय फुलवारी, अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह, सफाई जमादार शिवराज चावरिया, एसडी कॉलेज के प्रोफेसर जयरी काठा तथा बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे। मालूम हो कि राज्य सरकार की बजट घोषणा में ब्यावर शहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के अनुसार एसडी कॉलेज प्रशासन ने अपने अधीन 22 बीघा जमीन उक्त भवन के लिए सरेंडर करते हुए उसका नक्शा तैयार करवाकर महाविद्यालय भवन का निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन इस दौरान खाली पड़ी भूमि पर कई लोगों सहित कई खानाबदोश लोगों ने इस पर अवैध अतिक्रमण कर लिया, जिसके कारण भूमि की चार दीवारी निर्माण में परेशानियां शुरू हो गई। चार दीवारी के पास रहने वाले लोगों ने अपने अपने घरों के पिछवाड़े में गेट निकालकर आवागमन के लिए रास्ते की मांग करने लगे थे। आज दिनांक को करीब 10:30 बजे से नगर परिषद ब्यावर की कन्या महाविद्यालय जो निर्माण है, जो राज्य सरकार के द्वारा आवंटित हुआ है और जिसका नवनिर्माण चल रहा है, इसके क्षेत्र में जो बाउंड्री वॉल के आसपास कॉलोनी निवासियों ने कुछ ज़मीन को कब्जा कर रखा था, किसी ने बाउंड्री वॉल बना रखी थी, किसी ने कुछ पेड़ पौधे और कुछ निर्माण कर रखे थे, उन सभी स्थायी और अस्थायी निर्माणों को आज नगर परिषद द्वारा साफ कर दिया गया है, हटा दिया गया है तथा आज अब से कॉलेज प्रशासन पीडब्ल्यूडी के माध्यम से समस्त बाउंड्री वॉल पूरी संपूर्ण रूप से बनाने के लिए स्वतंत्र है। ब्यावर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला गया और ये एसडी गवर्नमेंट कॉलेज की जो जमीन थी वो हमने सरेंडर की और यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय के नाम से भूमि का रूपांतरण कराया गया। जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और बाउंड्री निर्माण का काम शुरू हुआ तो जो स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को लेकर के बहुत विवाद हुए। हमने शासन प्रशासन से निवेदन किया और कई दौर की मीटिंग के बाद में एसडीएम साहब ने एक सामूहिक मीटिंग सभी विभागों की लेकर के, जिसमें नगर परिषद, तहसील, पीडब्ल्यूडी, कॉलेज, सभी की सामूहिक बैठक लेकर के अतिक्रमण चिन्हित किए और उन चिन्हित अतिक्रमण जो थे उनको आज नगर परिषद प्रशासन ने, तहसील और पुलिस प्रशासन ने मिलकर के उनको हटा दिया है। अब हमारा काम है कि इसके ऊपर बाउंड्री निर्माण का, जो हमने ठेकेदार को, मैडम ने भी उसको पाबंद कर दिया कि कल से वो काम बाउंड्री का शुरू करवा। हाँ, ये सनातन कन्या महाविद्यालय को पूर्व में आवंटित शुदा भूमि है, जिस पर देख रेख के अभाव में जो कॉलोनी वासी है उन्होंने कुछ अतिक्रमण कर रखे थे और नगर परिषद ने आसपास के लोगों को जो पट्टे दे रखे थे, नगर परिषद ने अतिक्रमण का चिन्हीकरण किया और उसको शांतिप्रिय ढंग से हटा दिया गया है। सभी ब्यावर वासियों को सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी विद्यालय ब्यावर की ओर से प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस क्रिसमस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस के इस परम पावन पर्व पर हम सभी नगर वासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। प्रभु यीशु इस पावन पर्व पर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए हम सब मिलकर इस पावन पर्व को धूमधाम से मनाएं और आपस में खुशियां बांटें।